हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे आप सबको तो लगता है कि मैं एकदम बढ़िया हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। तो मेरी रूटीन जो है वो आजकल सेम ही है, क्योंकि पहाड़ों में चला है मक्की का काम, मक्की कटाई का, तो मेरी रूटीन वही सेम है। तो ये पीछे वाला खेत जो आप देख रहे हो, ये मैंने अभी काटा है और थोड़े से इसमें से मक्की निकाल के अभी मुझे घर जाना है, क्योंकि मैं थक गई हूँ क्यों मेरे साथ यहाँ पे और कोई नहीं है। बाकी सब जो घर से थोड़े दूर वाले खेत हैं वहाँ गए और मैं यहाँ घर के साथ में जो खेत है वहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं दूर वाले खेत में नहीं जा सकती थी ना, क्योंकि आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहनी थी और मुझे टाइम भी लगना था, इसलिए मैं यहाँ घर के पास वाले खेत में हूँ ताकि मैं टाइम टू टाइम ताक्षु से भी मिलने जा पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ भेजा मेरे को। तो अभी बस फिनिश होने वाला है एक दो दिन में, तो अब थोड़ी सी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है काम और थोड़ी उसके बाद रूटीन जो है वो चेंज होगी और जो मेरी रूटीन है वो सुस्ती की तरफ जाएगी, उसके बाद आराम की तरफ जाएगी, क्योंकि फिर इसके बाद कोई काम नहीं होता। आपको बताइए, मेरी रूटीन ऐसे ही रहती है, खाओ पियो सो जाओ मस्त, लेकिन आजकल काम चला है तो उसकी वजह से रूटीन में थोड़ा हार्ड वर्क ऐड हो गया है, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। और पहाड़ियों की जो है बोलते हैं ना, पहचान है हार्ड वर्क करना, ये वाला खेतों का घास का ये सब इस टाइम सबके यहाँ यही रहता है पहाड़ों में। तो अभी मैं घर जाती हूँ, थोड़ा सा घास लेना है, ये वाला घास मैं लूँगी जो हमारी तारो है घर में उसके लिए, तारो हमारी कट्टी का नाम है, और क्योंकि तारो जो है हमारी ना वो बड़ी नखरीली है, वो मतलब ऐसे अब जैसे ग्रीन अभी ग्रीन हरा घास होता है ना, वो भी नहीं खाएगी मैडम, मतलब वो बड़े ही नखरे लगाती है घास वगैरह खाने में उसको, इसलिए उसको मतलब थोड़ा थोड़ा सारा ही देना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी ये जैसे कच्ची मक्की हो गई, थोड़ा सा घास, थोड़ा सा किसी और चीज़ का घास, वो सिंपल घास खाती ही नहीं है, इस टाइम बड़े नखरे हो जाते हैं उसके, तो इसीलिए ये तारों के लिए लेके जाना है घर। तो फिलहाल चलते हैं घर की ओर, बाकी भी अब घर पहुँच ही रहे होंगे शायद, या आगे होंगे ये नहीं पता, मुझे मेरी बात नहीं हुई उनसे, तो बने रही मेरे साथ इस व्लॉग में। और पता है ये व्लॉग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे कमेंट आया था कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, कमेंट किया था किसी ने ना, तो मैं खेत में थी अकेले, बोर भी हो रही थी, फिर मैंने सोचा क्या करना, अच्छा व्लॉग ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। तो चलिए घर की ओर चलते हैं। अब तो घास लेने के लिए मैं रस्सी नहीं लाई हूँ, तो ये मेरा जो दुपट्टा है मैंने इसको ऐसे बिछा दिया है, इस पर मैं घास ले जाऊँगी। मैं बताती हूँ किस तरह से ले जाना है। तो ये जो है घास मैंने रख दिया है, इसको इस तरह से बांध देंगे। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे ताक्षु के पास जाना होता है और घास में कई कांटेदार घास भी होती है, तो उसकी वजह से कपड़े चेंज करके ताक्षु के पास जाना होता है। तो अभी ताक्षु ऊपर है अपनी दादी के पास, तो मैं फ्रेश वगैरह होकर उसके पास जाती हूँ और उसको देखती हूँ क्या कर रही है। ताक्षु सो रही है, वो सो रही है अपनी दादी के पास, तो तब तक मैं खाना खा लेती हूँ, तो किचन की ओर चलते हैं। तो ताक्षु के बाबा जो हैं वो भी घर आ चुके हैं और वो ये लाए हैं गुच्छी, ऑफ सीजन कच्ची गुच्छी है देखो एकदम, वहाँ बच्चों से खरीदी, कहीं वहाँ जंगल में बच्चे ढूंढ रहे होंगे उनसे खरीद ली। देखिए आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे और ये कच्ची है, मैं हैरान हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि इस सीज़न में भी गुच्छी मिलती है, मैं सुन के हैरान हो गई। और ये रियांश है मेरा सबसे छोटा देवर, मेरा देवर है छोटा ही सबसे। फिलहाल हम गुच्छी बनाते हैं, गुच्छी की सब्जी ट्राई करते हैं। एक बार मैंने बनाई थी उधर घर में, दूसरे वाले घर में, तो इतनी वाहियात बनी थी पूछो मत, मैंने 4 घंटे लगा के इतनी बेकार सब्जी बनाई थी कि अब क्या ही बोलूं। तो आज फटाफट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी बने,
चलिए स्टार्ट करते हैं। बोले हमने जो पहले खाई थी ना वो सूखी वाली थी, जैसे कि सूखी भी लाए हैं इनसे मांग के खरीद के, तो ये देखिए। लेकिन इसको इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसको भिगोना धोना इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ये केली है इसको धोने में उतना टाइम नहीं लगेगा, तो इसको बनाते हैं अभी। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसी बनती है। फोन कर तो तू ना तेरे हम फोन कर ले घुस के अपना ऐसे ही तो तो खाना वाना हो गया हमारा। अब मैं मिलवाती हूँ आपको तारो की बच्ची से, तारो जो हमारी कट्टी है उसकी बच्ची से, उसको पानी पिलाते हैं। ये रही हमारी तारो की बच्ची। इसका नाम क्या रखना भाई, अब इसका नामकरण नहीं किया है। तब जो मेरे पीछे देख रहे हो ये हमारा गुरवाड़, गुरवाड़ बोले तो जहाँ पे हमारे पशु होते हैं। ऊपर वाला एरिया जो है यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मतलब लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं ज़्यादातर, तो पर ऐसे एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। और इस तरफ होते हैं मवेशी, साथ में हमारी तारो की बच्ची। तो चलिए चलते हैं। तो YouTube फैमिली, जैसे कि बताया आपको श्राद्ध लगे हैं, तो कल है लास्ट श्राद्ध, तो बबली बना रही है लास्ट श्राद्ध के लिए बबरू। बबरू बोलते हैं ना बबली इनको, हमारे लोकल लैंग्वेज में जिसको त्रिकोटी बोलते हैं। अच्छा, त्रिकोटी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, पर मेरे को जहाँ तक क्या है बबरू ही बोलते हैं। हाँ, ऐसे बबरू। तो ये इतने सारे आटे की तूने बबरू बनाने? यस। तो अभी तो चार ही बने हैं मैडम, फिल्म बन जाएगी। तो बबली बना रही है बबरू ताक्षु चाची के साथ, ताक्षु भी अपनी दादी के साथ, और इस तरह से बनाते हैं इनको। ये ऑयल है। अच्छा, ये ऑयल उनके साथ ये पहले गोल गोल करेगी जैसे फुलका बनाते उसी तरह। थोड़ा जैसे फुलका बेलने के साथ करते हैं, बेलने के साथ नहीं करते हैं। एक तरह की तंदूरी रोटी। हाँ, बिग डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। और फिर तेल के बीच में डाल के उनको डुबाया जाता है जिसके कारण ये फूल जाते हैं। तो इस तरह बनते हैं बबरू। yes. चल मैं भी जाता हूँ खेत को, लो फिर आपका मोबाइल। तो फाइनली अभी हम खेत से आए थे, बबली ने बबरू बनाने के बाद मैं कौन से सिले हमारी लैंग्वेज में बोल कचड़ी कच्ची कच्ची, जो जैसे इसका पता कैसे लगता है देखो, जैसे इसको दबाएंगे ना ये प्रेस हो जाता है और ये पानी निकलता है। कईयों को नहीं होता है पता। तो वो लाया और बबली अभी इनको भून रही है, और सबके लिए एक एक हो जाएगा।
कितने जने हैं? एक एक करो जरा। तीन तीन छः, तीन नौ, दो ग्यारह, ग्यारह ताक शुरू छोड़ के बीच में किसी को और खाना होगा तो लगभग बीस बीस छली भुननी पड़ेंगी आपको बीस, क्योंकि आप जैसे मैं दो खाऊंगा, आप दो खाओगे, हनी भाई दो खाएंगे, फिर ऊपर जो है सारे वो भी शायद जब मुंह लगता है दो दो खाएंगे, इसीलिए भुनो। पंखा नहीं देखना है ना, सोना है।